गिरिराज महाराज की जय। आदरणीय आप डॉक्टर साहब रहने दीजिए, डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए, आप रहो। सबको आदरणीय मंच पर बैठे हुए गुलाब जी भाई साहब हमारे नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय सचिव माननीय भूपेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र जी, विधायक डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, विधायक विजय बंसल जी, विधायक कृष्णेंद्र कौर जी, विधायक अनिता जी और बहादुर सिंह जी, जयसी राम जी, पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह जी, कुंवर जगत सिंह साहब, विधायक राधेश्याम जी, ज्ञानदेव जी, पूर्व विधायक धर्मपाल जी और इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष माननीय भजन लाल जी और मेरे सामने बैठी हुई सब माताएं बहनें, सब बुजुर्गण और भाइयों महानुभाव, आप लोगों को सबको देख के मैं सबसे पहले तो प्रणाम करना चाहती हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने इतना सारा प्यार देकर, इतनी देर तक रुककर हम सबका यहाँ जोरदार स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। मैं माफी चाहती हूँ कि आप तक पहुँचते पहुँचते बदरूप जवाब, आप तक पहुँचते पहुँचते इतनी देर हो गई, पर अब क्या बताएं, आपके रास्ते इतने सुंदर हैं, मेरी गलती नहीं है, वो रस्ते की गलती है। ऐसा जोरदार गड्ढा जिसको रस्ता कहा जाता है, वो उसमें से निकलते निकलते आप लोग तक आते आते देर हो गई, तो मैं उस पर पूरी पूरी तरह से कहती हूँ कि वो सड़क जरा अच्छी होती तो आप तक बहुत जल्दी पहुँच पाते। ये तो भरतपुर के साथ जो मैं देख रही हूँ सौतेला व्यवहार हुआ है, इसका और कोई बात ही नहीं हो सकती कि इतने सारे काम जो भरतपुर के लिए हम लोगों ने सोचे थे वो कोई भी काम आपके पूरे नहीं हुए। यहाँ आप लोगों को देखो, ये टीवी वाले प्लीज थोड़ा सा बैठ जाओ आप, बस जरूरी नहीं है टीवी पे आ जाए, परंतु जरूरी है मैं उनको देख लूँ। बस बस इतना ही मैं आप लोगों को सबको कहना चाहती थी कि भरतपुर के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। सरकार हमारी बनते ही सबसे पहले संभाग हेडक्वार्टर बनाने का काम भरतपुर का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं समझती हूँ कि आजादी के बाद इतने सारे काम हुए भरतपुर के अंदर जो शायद पहले किसी भी सरकार ने नहीं किए, चाहे वो आपका किशोरी महल का काम हुआ जहां इतना सुंदर महाराज सूरजमल जी का एक स्टैचू लगाया गया और अभी भी नीचे जो देखा गया यहां भी बहुत एक सुंदर बनाया हुआ है, वो इतना सुंदर स्टैचू वहां लगाया, वो किशोरी महल का काम जिसमें हमने पैसा लगाया उसको आज तक कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। इसी तरीके से हम लोगों ने आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका विश्वविद्यालय मैंने यूनिवर्सिटी उसको बनाने की तैयारी की और उसके अंदर पैसा का भी इंतजाम किया, जमीन का भी इंतजाम किया, सब कुछ करने के बाद बस उसको चलाने की जरूरत थी, वो भी ये सरकार नहीं कर पाई। और अगर उसको करना था जैसे अब कर रही है बजट के अंदर, तो ये पहले ही 4 साल करती, क्योंकि इसके लिए पैसा और सब इंतजाम हम लोग करके गए थे, परंतु किया नहीं, बचा के रखा और सोचा कि जब चुनाव का टाइम आएगा तो इसको निकाल के हम सबके सामने रखेंगे और उनको कहेंगे कि भाई हमने इतना बड़ा काम आपके लिए किया है, परंतु जनता किसी की बातों में आने वाली नहीं। सिमको फैक्ट्री उसके लिए काम चालू किया, क्या हालत है सिमको फैक्ट्री की बताओ मेरे को, क्या हम लोगों ने मेहनत करके उसको चलाने का काम किया था,
और आज सिम्को फैक्ट्री की क्या स्थिति है वो पूरे राजस्थान की स्थिति है। कोई भी आदमी यहाँ अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि सरकार हमारी मदद करती नहीं है। हम लाए पैसा लाए सब कुछ करें, हम मेहनत करें और सरकार बिल्कुल ही हमारी मदद न करे, ऐसी जगह से अच्छा तो ये है कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो लेके हम कहीं और चले जाएं और कहीं और अपना फैक्ट्री लगा दें। राजस्थान के अंदर कहीं भी कोई भी नया फैक्ट्री जो हम लोगों ने चालू की थी उसको छोड़ के नई फैक्ट्री अगर आई हो तो वो बताया जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बंद तो कर दिया जो फैक्ट्री है, हमारे 5 साल के अंदर नौकरी मिली सबको कि नहीं मिली, 10 लाख लोगों को हम लोगों ने बच्चों के हिसाब से नौकरी दी, गैर सरकारी और सरकारी। और इस सरकार ने 5 साल के अंदर इतने पोस्ट खाली पड़े हैं, करीबन 60% कर्मचारी अपने सीट पर नहीं है, 60% टीचर आपको ढूंढे तो नहीं मिले, परंतु इन्होंने भर्तियां नहीं की, वो पोस्ट नहीं भरे और वैसे ही लोग इधर से उधर भटक रहे हैं, पास हो गए हैं, कोशिश है, चाहते हैं कि हमारी कहीं नौकरी मिल जाए, परंतु किसी को आज तक नौकरी दी नहीं है। मुश्किल से 50,000 लोगों को अगर नौकरी मिली तो मिली, परंतु जिस तरीके से हमारे नौजवान चाहते थे उनको किसी को नौकरी नहीं मिली। अब आज कड़ी से कड़ी मिली हुई बात, यह हमेशा आपको कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं परंतु कांग्रेस में आप कड़ी से कड़ी मिला दो तो दिल्ली की सरकार भी अपनी है, जयपुर की सरकार भी अपनी है, हम पूरे काम आपको दिल्ली की सरकार से करा के देंगे। तो यमुना प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं करके दिया? कड़ी से कड़ी जुड़ गई, ऊपर कांग्रेस बैठी है, नीचे कांग्रेस बैठी है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस बैठी है और हरियाणा का राज्यपाल भी राजस्थान का व्यक्ति है। ये सबसे ज्यादा कड़ी से कड़ी और क्या मिल सकती है? और उसके बावजूद भी 5 साल के अंदर वो यमुना के पानी का 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ है, वो पूरी भरतपुर की जनता अच्छी तरह से जानती है। ऐसी स्थिति, और जबकि हम लोगों को उस पानी की सख्त जरूरत है, मैं जहां जहां गई हूं लोगों ने सिर्फ मेरे को यही कहा है कि आप लोगों ने तो जोरदार पैसा हम लोगों को दिया था कि भरतपुर को चंबल का पानी आए, भरतपुर तक तो चंबल का पानी आ गया, परंतु जहां जहां वो पानी को फैलने की जरूरत थी वो वहां तक नहीं पहुंचा है और लोग उससे बहुत दुखी। जहां जहां मैं जाती हूं बार बार मुझे कहते हैं कि बिजली जिस तरीके से आप लोगों के समय में मिला करती थी अब वो बिजली हमको नहीं मिलती है। शहर के अंदर तो होती है, थोड़ी सी बिजली आ जाती है, परंतु गांव के अंदर किसानों की बिजली 2 या 3 घंटों से ज्यादा मिलती है, तो बताओ मुझे मिलती है क्या? और वो भी ट्रिपिंग, इतनी जोरदार ट्रिपिंग होती है, 5 या 6 घंटे मुश्किल से महिलाओं को बिजली मिलती है, परंतु ये बिजली नहीं मिलती और ट्रांसफॉर्मर अगर बिगड़ जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर 2-2 महीने तक नहीं आता है, और अगर आता है तो रिश्वत के बाद आता है, 10,000, 20,000, 25,000 दोगे तो काम होता है। मैंने आप लोगों को ये कह दिया था कि भरतपुर के अंदर 7वां संभाग हम लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे कैबिनेट को ले जाके उस संभाग हेडक्वार्टर के ऊपर अपनी मीटिंग करके ये कोशिश की कि 6 महीने के अंदर उस संभाग को हम लोग चमका दें। काश हमारे यहां भरतपुर के अंदर मीटिंग हो जाती। मैंने यही समझ रखा था कि आखिरी संभाग था, इस आखिरी संभाग के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हम कराना चाहते थे। सुजान गंगा का काम, जो सुजान गंगा को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा के, जो गंदा नाला आज के दिन कहा जाता है, उस गंदे नाले को जिस तरीके से बीकानेर के अंदर किया था उस तरीके से हम आपको तोहफा के रूप में उस देना चाहते थे, वो भी हम लोग पूरा नहीं कर सके। पानी आता है नहीं आता है, जिले में 4 लेन को छोड़कर सभी सड़कों की हालत ऐसी खराब है और ये 4 लेन के अंदर भी हम लोगों का हाथ है, परंतु अगर देखो जिले के अंदर कहीं भी चले जाओ, और मेरे को तो उसकी घबराहट होती है, जहां भी जाओ ऐसे ऐसे जोरदार गड्ढे हैं, ये सवाई माधोपुर में, यही करौली में, यही धौलपुर में और आज यही भरतपुर में देखने को मुझे मिला है। तो मैं कभी कभी पूछती हूँ कि 4.5 साल सरकार ने राज किया है यहाँ, क्या काम करके जनता को दिया, ये कोई भी मेरे को आज दिन तक बता नहीं पाए। जयपुर के अंदर सुनो तो उन्होंने बहुत सारे काम किए,
सबसे पहले वो कहते हैं कि आप लोगों को मुफ्त दवाई, सस्ती दवाई और मुफ्त जांच करा के दे दिया है। हो गया होगा, यहाँ तो आपके भरतपुर का तो बड़ा हॉस्पिटल है, हो सकता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी मुफ्त दवाई भी मिली होगी और आपको अच्छी तरह से मुफ्त जांच भी हुई होगी। इतने बड़े शहर के अंदर नहीं हुई है, ये क्या सही है? मैं तो ये सोच रही थी कि भरतपुर के अंदर तो मेरे को कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ, यहाँ तो इस स्कीम की कुछ ना कुछ सीमाएं रही है परंतु उनमें काम हुआ है, परंतु यहाँ भी आप लोग कह रहे हो कि कहीं भी आप लोगों को यह दवाई नहीं मिली है। इसी तरीके से किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला क्या? काला बाजारी में पूरे के पूरा गेहूं जाता है। मैं तो समझती हूँ कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको तो नहीं मिला है। ये पूरे क्षेत्र के इलाके के अंदर जहां मैंने पूछा है वहां लोगों ने मेरे को हाथ ऊपर करके नकारा ही है। जगह जगह पर लोगों ने कहा कि जिस तरीके से सिंचाई का पानी मिलना चाहिए या जिस तरीके से पीने का पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार ने मेहनत नहीं की है। अगर सरकार मेहनत करती और लगाती अधिकारियों को तो ये पानी आगे तक पहुंच सकता था और लोगों को सही तरीके से पानी भी आराम से मिल सकता था। कुल मिलाकर मैं तो ये देख रही हूँ कि अपने इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से सौतेला व्यवहार हुआ है। आज आप लोगों के बीच में मैं कहने आई हूँ, धौलपुर को भी मैंने ये कहा कि हम लोग चाहते क्या है, यहाँ चाहते इतना ही है कि हमारे नौजवान बच्चे जो है उनको अच्छा रोजगार मिले, पढ़े लिखे और अपने पैर पर खड़े हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, आज उनके साथ कोई अत्याचार न हो, वो अपने आराम से सड़क पर चल सके। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हो कि हमारे परिवार के अंदर ये डकैती, चोरी सब सुनने को जो आता है ये सब चीज बंद हो जाए तो हमारा शहर आगे आराम से चले। हम चाहते हैं कि हमारा किसान अपने पैर पर खड़ा हो जाए और उसको सही तरीके से बिजली मिले, सही तरीके से पानी मिले, सही तरीके से खाद मिले, बीज मिले और जब वो जाता है तो उसको बाजार के अंदर सही मूल्य उसकी फसल की मिले। अगर मुसीबत हो जाती है, और मालूम नहीं आपके यहाँ ओलावृष्टि वगैरह हुई थी क्या? हुई थी और फसल भी नष्ट हुआ था। जब नष्ट हुआ तो आप लोगों को मुआवजा मिला? जयपुर के अंदर तो बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबार के अंदर कि हम लोगों ने पैकेज बनाया और पैकेज बनाकर हमने जनता को दे दिया मुआवजे के रूप में। जिन जिन लोगों के साथ मुसीबत हुई उन सब लोगों को हमने पैसे और बिजली की कटौती, माने बिजली में जो बिल में कमी होनी चाहिए वो बिल में कमी करके आप लोगों को दिया? नहीं दिया। अभी मैं करौली में जा रही थी तो करौली में मेरे को एक गरीब व्यक्ति मिला, उसने आके मेरे को एक बिल पकड़ाया। बिल था 4000 रुपया का और उस 4000 रुपए के साथ साथ वो मीटर लेके चल रहा था और उसने मेरे को ये कहा कि भाई साहब ये तो मीटर और ये मेरा 4000 का बिल और मेरे यहाँ कनेक्शन नहीं है, मैं घूम रहा हूँ कि मेरे को कनेक्शन मिल जाए, परंतु बिना कनेक्शन के मेरे को 4000 का बिल दे दिया गया है जबकि मेरे यहाँ लाइन ही नहीं। रात को हम लोगों ने बिजली विभाग के लोगों से बात की, रात रात में ही लाइन खींची और लाइन खींच के उसको मीटर लगवा के दे दिया। आज सुबह उसका फोन आया कि भाई साहब आप लोगों ने हमारा काम कर दिया, इसकी वजह से मैं फायदा हुआ। ऐसे कितने लोग हैं ऐसे जिनको करंट लग रहा है बिल से? बहुत सारे लोग हैं जिनको करंट लग रहा है सिर्फ बिल से। और मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि बिजली के बिल तो बढ़ते गए हैं परंतु बिजली के बिल की क्वालिटी और जिस तरीके की बिजली आप लोगों को मिलनी चाहिए वो घटती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। माताओं बहनों से पूछती हूँ कि गैस सिलेंडर आजकल मिलता है जैसे अटल जी के टाइम में मिला करता था? क्या कहती है? मैंने कहा वो तो आप चले जाते थे, ऑर्डर करते थे और 300 रुपए में गैस का सिलेंडर आपको मिल जाता था। आज 800-900 रुपए का एक सिलेंडर, 9 आप 6 तक तो ले सकते हो और 9 तक ले सकते हो, उसके बाद सिलेंडर नहीं मिले। वही मुसीबत सब माताओं बहनों को और घरों के अंदर गैस के सिलेंडर के ऊपर हो गया है। माताएं बहनें कहती है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि हम लोगों को सब कुछ गिरवी करना पड़ता है,
और गिरवी करके बाल हम लोग अपने बच्चों की शादी अपनी बेटियों की शादियां करा सकते हैं। ये आज गांव के अंदर हमारी हालत हो गई है। पेट्रोल के दाम कितना बड़ा, 33 रुपए से 73 रुपए तक, और 73 रुपए के बाद 2 रुपए उन्होंने घटा दिए। बहुत बड़ी गनीमत आप लोगों के, बहुत आप लोगों ने किया। आपका डीजल के दाम 22 रुपए से लेके कहां तक पहुंचे, आज 1 रुपए और बढ़ गया है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो तो बढ़ता ही जाएगा, ये कम होना वाला नहीं है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, इस सरकार के राज में हर चीज जनता के खिलाफ ही होगा, जनता को खुश रखने को नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी तो हम तब सबसे पहले आपकी आंखों में आंख डाल के ये पता करते थे कि हमारी जनता, हमारी परिवार है, ये क्या चाहती है, उसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। आज भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि पिछले बार हम लोगों ने 7 में से 6 MLA जिता के भेजे थे, इस बार हम लोगों को 7 में से 7 MLA को जिता के भेजना है। और अपना हिस्सा सरकार के अंदर तय करना है, और अपने को ये कहना है कि भाई हमारा काम हम लोग हक से मांगेंगे और हमारा काम हम करवा के ही छोड़ेंगे। ये जरूरी है कि आप लोग सबका हक हमारी सरकार के अंदर हो, परंतु आपका साथ हमें मिलेगा तभी तो होगा। तो आप लोग तय है सब लोग के साथ। भरतपुर के बहुत सारे काम है जिन भरतपुर के काम को हम लोगों को करना पड़ेगा, परंतु मैं आपको कह सकती हूँ कि किन्हीं को भी अलग रख के नहीं, सब लोगों को साथ लेके, सब 36 के 36 कौम को, सब मजहब को लेके एक आवाज में प्रेम की डोर से बांध के हम ये चाहेंगे कि प्रगति के पथ पे राजस्थान चले। ऐसा हमें नहीं रहना कि आगरा आगे बढ़ जाए, ग्वालियर आगे बढ़ जाए और भरतपुर धौलपुर गड्ढे में पड़ा रहे। ऐसा हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाए और गुजरात आगे बढ़ जाए और राजस्थान गड्ढे में पड़ा रहे। ये सब हम लोगों को देखने मिला है और मैं समझती हूँ कि अब हम लोगों के लिए समय नहीं है। हम लोगों को मिलकर तय करना होगा कि राजस्थान आगे बढ़ेगा, उसमें भरतपुर का हिस्सा होगा, और जो जो काम भरतपुर के होने थे उनको करने में हम और आप मिलकर सक्षम रहेंगे। हिम्मत है क्या? धौलपुर और भरतपुर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जब 6 महीने बाकी बच जाते हैं ना चुनाव के लिए, तो बहुत सारे काम कांग्रेस के लोग करना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है कि बिजली के पोल डाके पटक देते हैं, साथ में बिजली के तार पटकते हैं, साथ में आपके रोड की मिट्टी गिट्टी डालते हैं और सबको ये कह देते हैं कि चिंता मत करो, ये सब काम आपके होने वाले हैं, ये सब काम आपके होंगे, परंतु इस सरकार के द्वारा नहीं, ये हम सब मिलके करेंगे। आप में हिम्मत है तो इनको कह दीजिए ये पैसा अपना ही है, इस पैसे को इस्तेमाल करिए, और इस्तेमाल करके ये याद रखिए कि इन लोग, जो लोग अपनी महिलाओं की इज्जत को बचा नहीं सकते, अपने किसानों को मजबूत नहीं कर सकते, अपने युवाओं को ताकतवर नहीं कर सकते, उनको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है, उनको उस कुर्सी से उतरना होगा। एक ऐसी सरकार आए जो सेवा करने के लिए आप लोगों के सामने निरंतर खड़ी रहे, उसके लिए आप लोग सबकी मदद की जरूरत है। तैयार हो तो एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी राज महाराज की, एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान। ये भरतपुर का काम आप लोग करोगे, एक के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में जादू नहीं है, परंतु हम लोग मिलके करेंगे तो ये काम पूरे होने हैं, ये विश्वास करके आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद और धन्यवाद देते हुए मैं आप लोग सबको धन्यवाद देके अपनी बात पे विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।